हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडमी आई एम आकाश दलाल एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विथ अवर करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर सेवेंटीन आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल प्रीवियस लेक्चर्स इफ नॉट देन जस्ट विजिट द प्रोवाइडेड लिंक सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल अवर लेक्चर्स फॉर करंट अफेयर्स एज वेल एज फॉर अदर सब्जेक्ट चलिए तो आज का जो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों ये फ़ोटो मैंने रखा है क्योंकि आज के जो हमारे पहले जो करंट अफेयर के न्यूज़ है वो इस हस्ती के साथ जुड़े हुए हैं अब तक आपको इनका नाम तो पता चल ही गया होगा जी हाँ वो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम क्या कहा था उन्होंने लिखा हुआ है स्क्रीन पर ड्रीम इज़ नॉट वॉट यू सी इन स्लीप बट ड्रीम इज़ समथिंग विच डजेंट लेट यू स्लीप है ना सपने तो हमारे को ही देख रहे हैं बट सपने वो नहीं हैं जो आपको रात को सोते वक्त नींद में आते हैं सपने वो है जो आपको रात को सोने ही नहीं देते क्यों ये स्लाइड मैंने यहाँ पे रखा है जस्ट टू मेक यू रियलाइज़ कि ये जो टाइम आपको मिला है ये वापस नहीं आने वाला है एंड जब हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही तो वी वर ऑलवेज़ कंप्लेनिंग के पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा है जॉब चल रही है साथ में राइट right? बट जब क्योंकि अब आपको पूरा पूरा टाइम मिल गया है अपने घर पे बैठकर पढ़ाई करने का और जब आप चार महीने बाद पाँच महीने बाद या अगले साल जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला राइट सो बी मोटिवेटेड एंड बी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशनस तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो उन्हीं से रिलेटेड है जो कि है डेयर टू ड्रीम 2.0 और 2.0 पॉइंट ओ सेकेंड एडिशन ऑफ डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट ओके अब ये डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट है क्या तो इसको लॉन्च किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दैट इज़ डी आर डी ओ डी आर डी ओ हेज़ लॉन्च एन इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम टू पॉइंट जीरो ऑन दिफ्थ डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम अब आज के लेक्चर का आपका पहला होमवर्क काफ़ी बार हम न्यूज़ में पढ़ चुके हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ए पी जे अब्दुल कलाम ए पी जे अब्दुल कलाम बट व्हाट आर दी व्हाट आर दिज इनिशियल्स वट डज़ मीनिंग ऑफ ए वॉट इज द मीनिंग ऑफ पी एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ जे ये भी हम स्कूल में पढ़ चुके हैं राइट right? तो अगर कभी एग्जाम में इतना ईजी सवाल आपको पूछा जाए बीट क्लास वन टू और क्लास थ्री फोर या एनी अदर एग्जामिनेशन तो हमें वो सवाल छूटना नहीं चाहिए तो दिस इज़ योर फर्स्ट होमवर्क फॉर टूडेज लेक्चर जस्ट गो टू गूगल एंड नॉट ओनली देशम बट ऑल्सो रीड अबाउट द एंटायर लाइफ ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ओके उनको इंडिया का मिसाइल मैन कहा जाता था एंड दी लाइफ ऑफ अवर फॉर्मर प्रेसिडेंट इज क्वाइट इंस्पिरेशनल ओके सो जस्ट ट्राई टू रीड दैट एज वेल चलिए तो क्या है डेयर टू ड्रीम द डेयर टू ड्रीम टू पॉइंट जीरो इज एन ओपन चैलेंज टू प्रमोट द इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप ऑफ द कंट्री फॉर इनोवेशन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज इन द कंट्री आफ्टर द कॉल ऑफ आत्मनिर्भर भारत देखिए आज़ादी के जब पचहत्तर साल हम दो हजार बाईस में पूरे करने जा रहे हैं बट पचहत्तर साल के बाद भी वी आर स्टिल नॉट आत्मनिर्भर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस आज भी अगर हमें डिफेंस के लिए अगर कोई टेक्नोलॉजी मंगवानी है तो हमें या तो रशिया से सामान खरीदना पड़ता है या तो फ्रांस से राफेल ख़रीदने पड़ते हैं या तो यू एस से युद्ध के जहाज़ जो है वो ख़रीदने पड़ते हैं फ़ाइटर प्लेन्स ओके okay, चिनोक हो गया या एक्सो देर आर एम्पल नंबर ऑफ़ फाइटर प्लेन्स दैट वी हैव बॉट फ्रॉम यू एस ए फ्रांस रशिया एट्सेट्रा तो इसीलिए आत्मनिर्भर भारत को और सशक्त बनाने के लिए डेर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया गया है ताकि इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स आगे आए उन वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे आए आइडियाज़ के साथ गवर्नमेंट को वो आइडियाज़ प्रेजेंट कर सके राइट अगर और, और, और अगर किसी टीम का या किसी इंडिविजुअल का आइडिया अगर किसी इनोवेटर्स को पसंद आता है तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सके ताकि इंडिया में ही ऑन डोमेस्टिक लेवल हम जो डिफ़ेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ के जो साधन है उसको उत्पादित कर सके ओके okay? चलिए रफ़ेल के जो मैं बात कर रहा था तो एक दो दिन में 28 29 जुलाई के आसपास अंबाला शहर में जो कि है हरियाणा में बॉर्डर के पास का शहर है वहाँ पे हमारे फर्स्ट लॉट ऑफ रफेल फाइटर प्लेन आ जाएंगे ओके okay? तो आप वो थोड़ा न्यूज़ में देखते रहिए कि क्या क्या डिटेल्स है रफ़ेल की हम पूरी डिटेल इन पास्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट जो नए स्टूडेंट हैं जस्ट गो थ्रू दी प्रीवियस लेक्चर्स और प्रीवियस नोट्स एंड यू विल फाइंड द एक्ूरेट डिटेल्स तो ये हमने खरीदा है फ्रांस से ओके हमने जब उस टाइम की जो डिफेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन उन्होंने काफ़ी एक लम्बा अपना क्लैरिफिकेशन दिया था पार्लियामेंट में लोकसभा में तो देट इज़ ऑल्सो वेरी क्वाइट एंड रिसोर्सफुल स्पीच फ्रॉम श्रीमती निर्मला सीतारमन तो अगर टाइम है आपके पास तो उसको भी देखने की एक बार आप ट्राई कर सकते हैं अवार्ड मनी फॉर दिस कॉन्टेस्ट इज अप टू टेन लैख फॉर स्टार्टअप एंड रुपीज़ फाइव लैख टू इंडिविजुअल कैटेगरी विल बी गिवन टू दी विनर्स तो जिसका आइडिया बेस्ट होगा उनको स्टार्टअप के लिए दस लाख रुपये और और अगर कोई इंडिविजुअल कैटेगरी में से है तो उनको पाँच लाख रुपये दिए जाएंगे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम इज़ नोन एज दी मिसाइल मैन एज ही वॉज पार्ट ऑफ मैनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेलिस्टिक मिसाइल्स एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज़ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही वॉज इलेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टू थाउजेंड टू 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 थाउजेंड एंड सेवन ओके यहाँ पर और एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ फ्रॉम 1947 आपको सारे जो प्रेसिडेंट के लिस्ट है वो पता होने चाहिए और अगर उनमें से कुछ प्रेसिडेंट की कुछ स्पेशलिटी है उनकी टर्म के बारे में अगर कुछ स्पेशलिटीज़ है मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट रहते रहते अगर उन्होंने जान गवाई हो उनकी डेथ हो गई हो या और कोई उनके प्रेसिडेंशियल टाइम में प्रेसिडेंशियल विंडो में अगर कोई यूनिक चीज़ रही हो तो वो आपको याद रखनी है ओके सो ए डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ही वॉज द इलेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ए पी जे अब्दुल कलाम का बर्थ जो है वो धनुषकोड़ी नाम के तमिलनाडु के धनुषकोड़ी नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था ओके व्हेन यू विल रीड दी बायोग्राफी यू विल कम टू नो ऑल अबाउट इट चलिए नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे हमारे लिए दैट इज़ कुरमा एप्लीकेशन ओके सो हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने कुरमा एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं नाउ यहाँ जो पिक्चर लगा है उससे आपको पता चल गया होगा कि कुरमा का मतलब हो रहा है टर्टल राइट right? तो संस्कृत में कुरमा का मतलब क्या होता है कुर्म और कुरमा राइट right? तो उसका मतलब होता है टर्टल सो कुरमा इज द मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन एम्ड एट टर्टल कंजर्वेशन इन इंडिया सो टर्टल्स को बचाने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ताकि एक पूरा डेटाबेस रेडी हो सके उनको ट्रैक किया जा सके और उनको एक्सटेंट होने से बचाया जा सके एक्सटेंट का मतलब क्या है उनको विलुप्त होने से बचाया जा सके सो कुरमा इज़ दी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन एम्ड एट टर्टल कंजर्वेशन इट वॉज लॉन्च ऑन दी ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टर्टल डे विच वॉज ऑन ट्वेंटी ऑफ मे क्या है ये एप्लीकेशन सो दुरमा एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय द इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, व्हिच इज़ शॉर्टली नोन एज आई कैन इन कोलोबरेशन विद द टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया तो टोटल तीन एजेंसीज़ है जो वाइल्ड लाइफ या तो टर्टल के लिए काम करती है टर्टल कंजर्वेशन के लिए उन्होंने मिलकर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है कौन सी है वो तीन एजेंसीज फर्स्ट इज़ आई टी कैन दैट इज़ इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क सेकेंड इज सर्वाइवल अलायंस इंडिया टर्टल सर्व

यूजअली जो अंडरग्राउंड रहने वाले जो जानवर है वो क्या हो जाते हैं ज़मीन पे हमें दिखने लगते हैं राइट टर्टल जनरली कहाँ रहता है पानी में रहते हुए आपको दिखेगा बरसात के समय वो आपको बाहर आता हुआ दिखेगा तो ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले ताकि उसको मार ना दिया जाए इसीलिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस कुरमा एप्लीकेशन में दी गई है ऑब्जेक्टिव क्या है इट प्रोवाइड्स इट्स यूजर्स अ डेटाबेस टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्पीशीज प्रोवाइड्स दी लोकेशन ऑफ दी नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर फॉर टर्टल्स अक्रॉस द कंट्री अगर आपके नज़दीक में मान लीजिए आप सूरत शहर में हो तो सूरत शहर में अगर आपके घर घर के आसपास अगर कहीं टर्टल पकड़ा जाता है तो आपको उसका क्या करना है वो जानकारी कौन से रेस्क्यू सेंटर में कौन से बचाव केंद्र में आपको उसको लेकर जाना है वो जानकारी आपको कुरमा एप्लीकेशन दे देगा एडवाइज़ अबाउट द रिपोर्टेड स्पीशीज एंड इट कंजर्वेशन ऑल्सो वंस अ साइजेबल डेटा बेस इज़ रेडी कुरमा विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग स्पीशीज़ ऑटोमेटिकली थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक बार जब लोगों की मदद से ये पूरा सारे कंट्री के जो इनपुट्स आएंगे उसके ऊपर से जो डेटा बेस तैयार हो जाएगा उसके बाद ये अपलिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेगी और फिर क्या होगा कि जैसे ये आप अपना कैमरा उसके सामने रखोगे वो डेटाबेस ढूंढ के आपको बता देगा ये कौन सी स्पीशीज़ है कौन सी एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है आई में उसका स्टेटस क्या है ये सारी चीज़ें आपको वो डेटा बेस ऑटोमेटिकली वंस दी कंसिडरेबल डेटा बेस इज रेडी तो ये आने वाले सालों में ये चीज़ कुरमा एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करेगा प्रेजेंट सिनारी क्या है टर्टल्स को लेके इंडिया में सो टर्टोइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल्स आर अमोंग दी मोस्ट ट्राफिक इन द कंट्री काफ़ी स्मगलिंग होती है टर्टल्स की राइट right? अगर आप एयरपोर्ट की डॉक्यूमेंट्रीज अगर देखोगे तो मोस्ट स्मगल्ड जो जानवर है वो कौन सा है टर्टल इन सो मैनी कंट्रीज राइट सो रिपोर्ट रिलीज इन 2019 नाइनटीन बाई ट्राफिक और ट्राफिक क्या है जो फ्लोरा uh, और फोना का जो स्मगलिंग है उसके ऊपर ध्यान रखती है राइट शोड दैट एटलीस्ट इलेवन थाउजेंड फ्रेश वाटर टर्टल्स फॉल प्रे टू इलिसिट पोचिंग पोचिंग का मतलब होता है शिकार अवैध शिकार के इलिसिट पोचिंग एंड स्मगलिंग एवरी ईयर देखिए हर साल 11000 हजार टर्टल या टर्टल को स्मगल किया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इलीगली एडिंग अप टू ओवर वन लैक इलेवन थाउजेंड वन थर्टी टर्टल्स पोचड और स्मगल्ड बिटवीन सितंबर 2009 एंड सितंबर 2019 तो पिछले 10 सालों में 2009 से अगर 2019 की हम बात करें तो 10 सालों में एक लाख से ज़्यादा टर्टल्स को पोच किया गया है शिकार अवैध शिकार का अवैध शिकार किया गया है या तो उनको स्मगल किया गया है कंजर्वेशन चैलेंज क्या है इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के सामने वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल कंजर्वे कंजर्वेशन इन द कंट्री इज़ दैट वाइल्ड लाइफ क्राइम प्रिवेंशन एजेंसीज़ आर नॉट सफिशेंटली इक्विप्ड टू नो हाउ टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम दी अदर अब देखिए कुछ स्पीशीज़ जो लोकल स्पीशीज़ है वो ऐसी है कि उनको एक्सटेंशन का कोई खतरा नहीं है उनके ऊपर विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं है बट जो संस्था है जो एजेंसीज टर्टल कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है अगर कोई टर्टल पकड़ा जाता है तो अगर मान लीजिए कि वो फील्ड पे रहा बंदा अगर नॉलेजेबल नहीं है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये एक्सटेंट होने वाला टर्टल है या दिस इज़ दी लोकल टर्टल तो उसको बचाया जाना क्या हो रहा है और भी मुश्किल हो रहा है और ऐसी डिफ़िकल्टीज ऑन ग्राउंड फेस करनी पड़ती है ड्यू टू दी लेक ऑफ

टर्टल सर्वाइवल अलायंस तो टर्टल सर्वाइवल अलायंस टी एस ए वॉज फॉर्मड इन टू थाउजेंड एंड वन एज एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजरवेशन ऑफ नेचर आई यू सी एन पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वॉटर टर्टल एंड टे टर्टल को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूर फूड चेन एंड देट्स वाईट इज गिवन दिस मच इंपॉर्टेंस द टी एस ए अरोज इन रिस्पॉन्स टू द रैम्पेट

मोस्टली वो लोग सारे ही जानवर अपने फूड के तौर पर उसको इस्तेमाल कर हैं तो क्योंकि चाइना में टर्टल या टॉर्टोइस की स्कैरसिटी ना हो वहाँ पे उनकी कमी ना हो इसलिए उनको इलीगल यहाँ पे उनको हार्वेस्ट किया जाने लगा इलीगली उनको ब्रीडिंग करवाई जाने लगी इसको रोकने के लिए टी का जन्म हुआ था इन 2001 थाउजेंड एंड वन टी टू काउंटर दिस सप्लाई टू चाइनीज़ मार्केट और इसका टी एस ए का मिशन क्या है जीरो टर्टल एक्सटेंशन इन दी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो इक्कीसवीं सदी में एक भी टर्टल विलुप्त नहीं होना चाहिए ये टी एस ए का अल्टीमेट गोल है अब जब टर्टल की हम बात कर रहे हैं तो एक पुराना टॉपिक हम रिवाइज़ कर लेंगे सो so, रिविजन का टॉपिक है आपको ऑलिव रिलेड टर्टल एंड इंडिया ऑलिव रिलेड टर्टल की नेस्टिंग की बात हमने की थी जब भी जुलाई का महीना आता है ओके okay, गर्मी ख़त्म होने को होती है और बारिश के पहले का जो टाइम है तो समंदर में से हजारों की संख्या में ऑलिव रिडले टर्टल निकल कर ज़मीन पर आते हैं नेस्टिंग के लिए अपने अंडे रखने के लिए राइट right? तो इसकी काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हमने पिछले साल भी किया था इवन इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी जनवरी और प्रीवियस वन ऑफ द लेक्चर्स में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं सो दिस इज़ जस्ट अ रिविजन टॉपिक फॉर यू प्लीज़ प्लीज़ प्लीज रिवाइज इट रिवाइज इट फ्रॉम यार एंड इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस बीट फ्राम एनवायरमेंट मॉड्यूल और एनवायरमेंट सब्जेक्ट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट दोनों ही जगह पर आपको ये टॉपिक किसी तरह से पूछा जा सकता है उसके आई यू सी एन लिस्ट क्या है एक्सटिंट होने वाला है या नहीं होने वाला है इंडियन गवर्नमेंट ने कहाँ पर कौन सी नदी के पास क्या उसके लिए फैसिलिटीज़ खड़ी की है और सरकार का क्या हाथ है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट एंड मेक अ प्रॉपर नोट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा दैट इज़ रिलेटेड टू अगेन दिस एंटी डिफेक्शन लॉ तो लास्ट टाइम हमने ये पूरा टॉपिक काफ़ी डिटेल में देखा था कि मान लीजिए कि अगर चुने हुए जो एम या एम है विधानसभा के जो सदस्य है या आपके संसद सभ्य है, जो है वो अगर अपनी पार्टी से बगावत कर देते तो क्या होता है तो उसके लिए 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और पूरा जो राजस्थान क्राइसिस जो चल रहा था बिटवीन दि चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो सारी बातें हमने कर ली थी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाला जो झगड़ा था वो साइड में हो गया और हाईलाइट में आ गया कैबिनेट मीनिंग चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट का स्टेट के गवर्नर के साथ झगड़ा ओके राजस्थान के करंट प्रेजेंट गवर्नर कौन है कलराज मिश्र अब ड्यू टू द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस पार्टी राजस्थान असेंबली के जो स्पीकर थे जिन्होंने ये एंटी डिफेक्शन लॉ का जो नोटिस भेजा था जो रेबेल एम थे तो सुप्रीम कोर्ट में उनको लगा कि हम हार जाएंगे उन लोगों ने उसको वापस ले लिया ओके okay, जो पूरी कंप्लेन थी जो पूरी नोटिस थी उसको क्या कर दिया गया वापस ले लिया गया अब कोई केस रिबेल एम के खिलाफ नहीं है अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट ने गवर्नर को एक लेटर भेजा दैट प्लीज समन दी सिटिंग ऑफ द हाउस सारे सदस्यों को बुला लीजिए वी नीड टू कंडक्ट दी असेंबली हमें असेंबली में असेंबली को बुलाना है अब राज्यपाल को लगा कि यार दो दिन पहले तो आप लोग लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ आपके पास बहुमत नहीं था आधे एम एल होटल में बैठे हुए थे आधे एम एल ए कहीं हरियाणा के रिसोर्ट में बैठे हुए थे और एक ही पार्टी के एम एल एज आपस में लड़ रहे थे अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको कोविड नाइन्टीन के टाइम पे फील्ड में काम ना करके आपको सदन बुलाना है विधानसभा का सदन बुलाना है या विधानसभा का सिटिंग लगाना है तो राज्यपाल ने बोल दिया कि भाई जब तक आप प्रॉपर रीज़न नहीं दोगे मैं सदन नहीं बुलाऊंगा अब ये डिस्कशन मैं क्यों कर रहा हूँ आपके साथ बिकॉज दिस कनेक्ट्स टू योर पॉलिटी सब्जेक्ट अब जब अगर आप पॉलिटी में गवर्नर वाला जो आपका टॉपिक है गवर्नर और स्टेट वाला जो उनके रिलेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब स्टेट कैबिनेट या स्टेट की जो अथॉरिटी है दैट इज़ चीफ मिनिस्टर अगर गवर्नर को बोलते हैं कि भाई हमें सदन बुलाना है तो दैट इज़ दानस्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ गवर्नर कि उनको कैबिनेट की बात माननी पड़ेगी राइट बट यहाँ पे क्योंकि पावर टसल हो रहा था बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सारा पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स है उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है बट आपको ये रिव्यू करना है कि कलराज मिश्रा ने जो बात नहीं मानी कैबिनेट की वो सही है या गलत है ओके जस्ट थिंक फ्रॉम योर सेल्फ एंड लेट मी नो योर व्यूज़ इन कमेंट बॉक्स ओके अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन जब चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत ने वहाँ के ऑनरेबल गवर्नर कलराज मिश्रा को ये कहा कि हमें सो एंड सो दिन से अगर विधानसभा का सत्र बुलाना है तो आप सब आप हमें आदेश दे दीजिए ठीक है आप सारे सदस्यों को बुला लीजिए और कलराज मिश्रा ने उनकी बात नहीं मानी जो कि वहाँ के गवर्नर थे तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते राइट right? और आज के ही मैं न्यूज़ बता रहा हूँ ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है राइट right? तो क्यों उन्होंने पहले मना किया वॉज ही अलाउड टू डिनाई दिस क्या उनको ये करने की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि वो मना कर सके ये जरा आपको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ मैच करके ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है डोंट इन टू एनी पॉलिटिकल न्यूज और एनी पॉलिटिकल डिबेट राइट दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन आवर एग्जामिनेशन जस्ट थिंक फ्रॉम दी पॉलिटी पर्स्पेक्टिव एंड करंट अफेयर्स परस्पेक्टिव तो दिस इज ऑल दी जस्ट प्रीवियस दैट वी ऑलरेडी कवर्ड इन अवर लास्ट लेक्चर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट ऑल्सो इमर्ज फ्रॉम दिस कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक एंड आफ्टर द आत्मनिर्भर भारत स्कीम तो दिल्ली में एक पी आई एल दाखिल हुई थी उस पी आई एल के जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला है कि एवरी ई कॉमर्स फॉर्म जो कि ऑनलाइन प्लेस पे इंटरमेट इंटरनेट पे जो भी एजेंसी सामान बेचती है फ्लिपकार्ट स्नैपडील अमेजोन ई बे ओके एनी एक्स वाई जेड जो छोटा से बड़ा सामान अगर ऑनलाइन बेचती है उसको अपने सारे प्रोडक्ट्स के साथ में जब वो डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पे तो वहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखना कस्टमर को ज़रूरी कर दिया गया है मैंडेटरी कर दिया गया है राइट एंड वाई दिस डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड ताकि कस्टमर इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले पाए बिफोर परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम दी ऑनलाइन शॉप क्योंकि हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है गालवान वैली में लद्दाख का जो एरिया है गालवान वैली में वहाँ पे हमारा पिछले कई दिनों से ऑलमोस्ट आज एक डेढ़ महीना हो गया हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है लड़ाई चल रही है उनके ट्रू, ट्रूप्स बोल रहे हैं कि दिस इज़ अवर एरिया इंडियन आर्मी सिंग दिस इज़ अवर एरिया एंड दैट्स वाई दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने आ चुकी है उसके बाद से एक देश में एक माहौल बना है कि चाइना को बॉयकॉट करना है तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप्स उठाते हुए फिफ्टी नाइन जो चाइनीज एप्लीकेशन थी विच इज़ अक्यूज़्ड ऑफ स्टीलिंग अ डेटा इंडियन यूज़र्स डेटा जो कि इंडिया इंडियन यूज़र का डेटा कौन से सर्वर पे सेव कर रहे थे ऐसा उन पर आरोप लगा था चाइनीज़ सर्वर पे और अगर आपका डेटा चाइनीज़ सर्वर पे सेव हो रहा है तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कौन एक्सेस कर सकता है चाइनीज़ गवर्नमेंट तो ड्यू टू डेटा प्राइवेसी कंसर्नस इंडियन गवर्नमेंट ने वो फिफ्टी एप्लीकेशन बैन कर दी जिससे काफ़ी सारा नुकसान चाइनीज़ कंपनीज़ को हुआ है पिछले एक महीने में इसको आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में वॉलेंटरीली ये माहौल बन रहा है कि अब हमें चाइना का जो सामान है मेड इन चाइना का जो भी सामान है उसको बॉयकॉट करना है अब जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है या मेड इन जेड कंट्री है एंड दैट्स वाई टू फॉर द यूज़र बेनिफिट फॉर द कस्टमर और कंज्यूमर बेनीफिट इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन दिया है इन दिल्ली हाई कोर्ट दैट एवरी ई कॉमर्स फॉर्म शुड डिस्प्ले और मस्ट डिस्प्ले दी कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एमेजोन ने तो ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है ओके okay? तो सारी जो ई कॉमर्स फॉर्म्स हैं उनको ऑगस्ट तक की डेडलाइन दी गई है और मोस्ट प्रोबेबली सप्टेम्बर से इफ़ यू आर फ्रीकुंट बाय और यू विजिट एनी ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स मोस्ट प्रोबेबली सप्टेम्बर अक्टूबर से आपको हर uh, हर एंटिटी के सामने कंट्री ऑफ ओरिजिन वो कहाँ पे बना है उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी ओके सो रिसेंटली दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड वाई एन एफिडेविट दू दिल्ली हाई कोर्ट दैट ऑल ई कॉमर्स एनटीटीज हैव टू एंश्योर द मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑन देयर साइट ओके तो जो भी देश में बाहर से सामान आ रहा है उसके ऊपर ये टैग लगाना क्या होगा ज़रूरी होगा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 नाइनटीन ऑल्सो मैंडेट्स टू डिस्प्ले द कंट्री ऑफ ओरिजिन बाई ई कॉमर्स एंटिटीज द एफिडेविट केम इन रिस्पॉन्स टू अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओके जनहित याचिका जिसको आप हिंदी में बोलोगे पी आई एल कोई लार्जर इंटरेस्ट में अगर मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर कोई रिक्वेस्ट देता हूँ दैट इज़ नोन एज पी आई एल

पैकेज्ड कॉमोडिटीज रूल्स 2019 नाइनटीन विच मैंडेट दैट कंट्री ऑफ ओरिजिन बी डिस्प्लेड ऑन प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड ऑन ई कॉमर्स साइट्स तो जो पिटिशनर थे उस पी के उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है गवर्नमेंट को कि आपको ई कॉमर्स फॉर्म को बोलना पड़ेगा कि भाई आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन इज नेसेरी मैंडेटरी फ्रॉम नाव ऑन विच इज़ नॉट मैंडेटरी टिल नाव टिल डेट ओके बिफोर कोविड नाइन्टीन इट वॉज नॉट necessary but from now on from september october 2020 it will be compulsory mandatory enforcement of the provisions of the said act and the rules rests with the state and the union territories governments the petitioner has conducted the petitioner has contended that enforcement of the mandate is in synchronization with the recent vocal for local and atmanirbar bharat pushed by government of india. so we have already talked about this. okay, vocal for local and atmanirbar bharat. earlier, the central government has also mandated for all sellers on the government e-marketplace to list the country of origin while registering new products. gem is a platform for public procurement. तो जी ई एम ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट जो चीज़ें ऑनलाइन बेचती है वो उसको आप क्या बोलोगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस राइट ऐसी काफ़ी सारी आ, ट्राइबल चीज़ें हैं या खादी की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट ई मार्केट के जो रूफ़ है उसके अंदर काउंट होगी अभी वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत या कोविड नाइन्टीन के दौरान जो भी इनिशिएटिव थे दोज़ आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस तो जस्ट तो नोट माई वन रिकमेंडेशन इट इज़ टोटली अपू यू इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो इट और नॉट फॉलो इट बट इट इज़ क्वाइट एन यूजफुल रिकमेंडेशन क्योंकि आप चाहे ट्वेंटी ट्वेंटी में एग्जाम दे रहे हो या आप ट्वेंटी ट्वेंटी वन में एग्जाम देने जाओगे कोविड नाइन्टीन वाला जो पीरियड होगा फ्रॉम मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी से लेकर जब तक कोविड चलेगा आने वाले कुछ महीनों तक उसमें गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव लिए है दोज आर स्टार एंड हाईलाइटेड टॉपिक्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स बी इट क्लास वन टू थ्री फोर जी पी एस सी यू पी एस सी एस एस सी सी जी एल एनी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए एक नोटबुक बना लीजिए ओके आगे बड़ा सा हेडिंग दे दीजिए कोविड नाइन्टीन और मार्च महीने से ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च ओके तब से आप स्टार्ट कीजिए कि भाई कोविड क्या है कहाँ से स्टार्ट हुआ वुहान से स्टार्ट हुआ चाइना ने क्या किया क्यों रिपोर्ट नहीं किया कब बाकी देशों में फैला डब्ल्यू एच ओ की क्या भूमिका रही इंडिया में कैसे लॉकडाउन हुआ कितना सक्सेसफुल रहा कैसे केसेस बढ़ते गए लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने एजुकेशन के सेक्टर में फार्मिंग के सेक्टर में एमएसएमई के सेक्टर में इकोनॉमी के चलते आरबीआई की क्या भूमिका रही गवर्नमेंट हर एक डिपार्टमेंट ने अपने अपनी तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की लॉन्च की गई मेरिटोरियम पीरियड प्रोवाइड करवाया गया रेपो रेट रिवर्स रेट में क्या क्या चेंजेस हुए ये सारी चीज़ों की पूरी एक नोटबुक बना लीजिए दैट विल सर्व एज योर भगवद गीता फॉर योर एग्जामिनेशन ओके बिलीव मी दैट विल दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट राइट और उसमें जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ते जाएंगे कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड वो आप उसमें अपडेट कर दे जाइए करंट अफेयर्स के उसके लिए आप अलग एक नोट बना लीजिए सो कोविड नाइन्टीन के लिए एक स्पेशल नोट बनाना दैट इज़ माई रिकमेंडेशन इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस टू फॉलो इट और नॉट फॉलो इट नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलते हैं जो भी जिस पे भी असर हुई है कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक की सो जी ट्वेंटी पिछली बार हुआ था ओसा का जापान में इस बार होने वाला था इन नवंबर सऊदी अरेबिया में बट क्योंकि कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक चल रहा है देर आर लॉट्स ऑफ ट्रैवल बैंस ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस अक्रॉस कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड गवर्नमेंट्स आर अवॉइडिंग अ लार्ज गैदरिंग्स लाइक दिस सो इस बार जो फिनंस मिनिस्टर की जो मीटिंग्स थी जी ट्वेंटी में फिनांस मिनिस्टर की एक अलग मीटिंग होती है जो नेशनल बैंक होता है तो अपने यहाँ कौन सा आर तो जो नेशनल बैंक कंट्री बैंक जो होता है उनके हेड्स की एक अलग मीटिंग होती है और एंड में जो स्टेट ऑफ दी हेड होता है उसकी मीटिंग होती है अपने यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ से प्रेसिडेंट आते हैं जैसा जिस कंट्री का फॉर्मेट है उस हिसाब से हेड ऑफ़ दी स्टेट वहाँ पे जाएंगे एंड देर आर लॉट्स ऑफ अदर इकोनॉमिक फोरम्स इंटरनेशनल फोरम्स हु आर पार्ट ऑफ जी ट्वेंटी राइट सो ओल्ड स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो वॉट इज जी ट्वेंटी प्लेटफॉर्म राइट बट फॉर न्यू स्टूडेंट्स वॉट आई डू आई क्रिएट वन एंटायर कम्प्लीट डिफरेंट लेक्चर फॉर ऑल दीज एजेंसीज जी ट्वेंटी जी एट जी सेवन सार्क बिम्स्टेक आसियान कंट्रीज तो उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बना लूँगा पुराने स्टूडेंट भी उसको रिफ़र कर सकते हैं जो नए जॉइन न्यू जॉइनिज है वो भी उसको रिफ़र कर सकते हैं एंड दैट इज़ आल्सो योर क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन रिसेंटली अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी डिजिटल इकनॉमी मिनिस्टर्स वाज होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया इन विच इंडियन यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंटेड इंडिया तो देखिए जी जो ग्रुप है दैट इज प्योरली एन इकोनॉमिक uh, ग्रुप वो ग्रुप बनाया ही इसीलिए गया है ताकि उसके ऊपर इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन किया जा सके बट क्योंकि इकोनॉमी इज़ नॉट अ सोल सब्जेक्ट इज़ नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट उसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स का भी असर होता है तो वैसे सारे टॉपिक्स को भी जी ट्वेंटी में डिस्कस किया जाता जा है बाई द हेड ऑफ़ दी स्टेट्स फिनंस मिनिस्टर्स और आर बी आई गवर्नर्स सॉरी बैंक गवर्नर्स ओके चलिए सो यहाँ पे आपको मैंने आपकी आसानी के लिए जो G7, G8 एट एंड जी जो थ्री मेजर ग्रुप्स हैं तो G7 जो कंट्री है वो सात कंट्रीज से बना हुआ है एंड दैट इज़ दी एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑफ दी वर्ल्ड कौन से कौन से कंट्रीज़ है जर्मनी यूनाइटेड किंगडम फ्रांस कैनेडा जापान इटली एंड यू ये कंट्रीज़ है दोज आर वर्ल्ड स्ट्रॉगेस्ट इकोनॉमीज जिनका जिनको मिलाकर बना है आपका जी सेवन ग्रुप जी सेवन में अगर मैं रशिया को जोड़ दूँ तो बन जाएगा जी एट ग्रुप और जी एट में अगर मैं ये बाकी के स्टेट को जोड़ दूँ बारह स्टेट्स को टर्की यूरोपियन यूनियन अर्जेंटीना ब्राज़ील साउथ कोरिया मेक्सिको चाइना इंडोनेशिया सऊदी अरेबिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड साउथ अफ्रीका अगर ये बीस कंट्री को आप साथ में अगर कहीं देखोगे इनके लीडर्स को तो देट विल बी प्लेटफॉर्म ऑफ जी ट्वेंटी अब देखिए हमने आगे बात की थी कि जी को भी अब बढ़ाकर जी टेन या तो जी इलेवन करने की सोची जा रही है टू काउंटर चाइना चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है डिप्लोमेटिकली उसको इंटरनेशनल लेवल पे काउंटर करने के लिए G7 को क्या कर दिया जाएगा G10 कर दिया जाएगा जिसमें रशिया को लेकर थोड़े बहुत डाउट्स है अभी ओके okay, यू नहीं चाहता कि रशिया जुड़ जाए बाकी के कंट्रीज चाहते हैं कि रशिया जुड़े तो देट इज़ स्टिल नीड टू बी सॉट आउट ऑस्ट्रेलिया है इंडिया है और एंड थर्ड कंट्रीज़ साउथ कोरिया तो ये तीनों को मिलाकर क्या कि uh, सोच सोचा जा रहा है कि उनको जी टेन में समाया जाए और अगर रशिया जुड़ता है तो दैट विल बिकम जी इलेवन फ्यू मेजर जी ट्वेंटी में इंडिया की तरफ से क्या डिस्कस हुआ फ्यू मेजर इनिशियटिव टेकन बाई इंडिया टू टैकल कोविड नाइन्टीन वर हाईलाइटेड क्या थे ये चीज़ें जो हाईलाइट की गई जी ट्वेंटी में अर्ली लॉकडाउन विच हेल्प इन कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस एज वेल एज प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस इफेक्टिवली देखिए हमने ट्वेंटी थर्ड मार्च से ही लॉकडाउन कर दिया था जब इंडिया में काफ़ी कम केसेस थे काफ़ी कम मीनिंग सिंगल डिजिट में जब केस थे तभी इंडिया में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था और दो महीने ढाई महीने तक 99% सक्सेसफुल लॉकडाउन इंडिया में रहा और इसकी वजह से जून के एंडिंग तक इंडिया में देर आर नेग्लिजिबल कोविड 19 केसेस राइट right? बट क्योंकि हमें इकोनॉमी भी बचानी थी धंधे रोजगार भी बचाने थे लोगों के लोगों के बारे में भी सोचना था और गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ रहा था अपोजिशन का इसलिए इकोनॉमी को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खोला गया और उसी के चलते गवर्नमेंट को टाइम मिल गया कि आने वाले टाइम में कोविड नाइन्टीन का सामना कैसे करना है आ, बड़े बड़े शहरों में कोविड नाइन्टीन के लिए आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए क्वारंटाइन फैसिलिटीज खड़ी कर दी गई कोविड हॉस्पिटल खड़ी कर दी गई राइट तो ये सारा काम कब हुआ है आ, लॉकडाउन के टाइम रेलवे कोचेस को कोविड कोचेस में कन्वर्ट कर दिया गया सो दैट इज़ वन वेरी यूनिक आइडिया ऑफ इंडियन रेलवे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की गई डिजिटल इनोवेशन फॉर मैनेजिंग कोविड नाइन्टीन क्या थे ये डिजिटल इनोवेशन तो पहली एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई गवर्नमेंट की तरफ से जिसकी पूरी दुनिया में जिसको रिकोगनाइज़ किया गया दैट इज़ आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इनिशिएटिव लाइक आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन कोविड नाइन्टीन क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम जियो फेंसिंग सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग क्वारंटाइन पेशेंट्स एंड कोविड नाइन्टीन सावधान बल्क मैसेजिंग सिस्टम बल्क मैसेजिंग के साथ साथ आपको कॉलर ट्यून भी आजकल कोरोना की ही सुनाई देती है ट्वेंटी थर्ड मार्च से राइट right? जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन सुनाई दे रहा था बट अन अब, अब अनलॉक जब हो गया है तो अनलॉक की कॉलर ट्यून आपको सुनाई दे रही है तो गवर्नमेंट दिन में पाँच बार दस बार जितनी बार आप फोन रिसीव करते हो या फ़ोन यूज़ करते हो तब तो गवर्नमेंट आपको याद दिला रही है कि भाई यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू शूड बी अवेयर दैट दर इज अ पेंडेमिक इज गोइंग ऑल्सो ऐसा ही नहीं कि बाहर मस्ती करने के लिए मुझे निकल जाना है ओके सो गवर्नमेंट इज रिमाइंडिंग यू दैट डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स एनश्योर्ड दैट इवन द विकेस्ट इन दोसाइटी वॉज प्रोवाइडेड वरियर्स फिनशियल रिलीफ डूरिंग दी लॉकडाउन तो जो डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जिससे जो मिडल मैन था वो निकल गया और गरीब का पैसा गरीब के खाते में सीधा पहुंचाया गया ड्यूरिंग दी कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जी ट्वेंटी में हाईलाइट किया गया और इसको काफ़ी अप्रिसिएशन जी ट्वेंटी प्लेटफॉर्म पर मिलता हुआ हमें दिखा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडिया ने कौन सी चीज़ों पर जोर दिया इंडिया एम्फोसाइज ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए काउंसलिंग दे रहे हैं तो हेल्थ केयर और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके आने वाले टाइम में उस पर इंडिया ने ज़ोर दिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया के लिए ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है इन द वेक ऑफ पेंडेमिक लाइक कोविड नाइन्टीन देर इज़ अ नीड फॉर बिल्डिंग बिल्डिंग अ रेजिलियट ग्लोबल सप्लाई चेन अभी जो सप्लाई चेन है उसको कौन डोमिनेट कर रहा है चाइना ठीक है सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट सामान मैन्युफैक्चर कहाँ से होकर आ रहा है चाइना से तो चाइना इसीलिए सारे कंट्रीज़ पे दादागिरी कर रहा है तो उसको रोकने के लिए इंडिया ने ये कहा है कि भाई रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन होना चाहिए अगर मैं कोई चीज़ सप्लाई कर रहा हूँ तो दूसरी चीज़ सामने वाला नेशन भी मुझे देना चाहिए दैट काइंड ऑफ बाटर सिस्टम शुड बी देर India's potential as an attractive destination for investment closely integrated with global supply chains was also brought into focus. तो अब चाइना से वैसे ही लोग नाराज चल रहे हैं तो उनके लिए नज़दीक का डेस्टिनेशन कौन सा है विथ लार्जेस्ट मिडिल क्लास मार्केट इंडिया ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नीड टू बी अकाउंटेबल एंड सेंसिटिव टूवर्ड्स कंसर्न्स रिलेटेड टू डिफेंस एंड डाटा प्राइवेसी ऑफ ऑफ कंट्रीज ठीक है जो कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी 59 नाइन एप्लीकेशन को हम बैन कर चुके हैं वो मुद्दा भी इंडायरेक्टली इंडिया ने जी ट्वेंटी में उठाया द कमेंट्स फॉलो द इंडियन गवर्नमेंट्स मूव टू बैन 59 नाइन चाइनीज एप्लीकेशन साइटिंग अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरनिटी तो ये बात हो गई हमारी ऑल रिलेटेड टू जी अब जो आपको पिक्चर दिख रहा है दैट इज द लोनार लेक अब पिछले कुछ दिनों में ये काफ़ी चर्चा में आया था ये लेक क्यों क्योंकि अचानक इसके जो पानी का रंग है वो पिंक हो गया था ठीक है जनरली पानी का रंग हमें पिंक देखने को नहीं मिलता है बट कुछ तो ऐसा चेंज हुआ एटमोसफियर में कि उसका रंग पिंक हो गया अब स्लाइड पॉज करके दो मिनट सोचिए कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है राइट लोनार लेक मैंने आपको नाम दे दिया गया है नाम दे दिया है इफ़ यू आर फॉलोइंग द करंट अफेयर्स थरली एंड डेडिकेटेडली आपको ये आंसर पता होना चाहिए राइट इफ़ यू डो नॉट नो आंसर देन जस्ट मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर करंट अफेयर्स ओके आपको हर करंट अफेयर्स पता होना चाहिए बिकॉज दैट विल कवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस वो ये जो लेक है देट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू दी अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द कलर ऑफ द लोनार लेक वॉटर इन महाराष्ट्र बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट टर्नड पिंक ड्यू टू अ लार्ज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट लविंग हेलोआर्किया आर्किया माइक्रोब्स तो हेलो आर्किया नाम्स नाम के एक छोटे छोटे बैक्टेरिया की एक कॉलोनी होती है उनका उनकी जो संख्या थी उनकी जो पॉपुलेशन थी वो इस लेक में बढ़ गई और उसकी वजह से उनका कलर क्या हो गया पानी का कलर पिंक हो गया दी कलर क्या नाम है देखिए वापस देख लीजिए हेलो आर्किया माइक्रोब्स हेलो आर्किया माइक्रोब्स

आफ्टर द राइज ऑफ़ हेलो आर्किया माइक्रोव्स ओके और वो माइक्रोव्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाने से ये पिंकिश कलर का आपको पानी यहाँ पे दिख रहा है इट हैज़ बिन अज्यूम्ड दैट दी एब्सेंस ऑफ रेन लेस ह्यूमन इंटरफियरेंस और क्यों क्योंकि कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन चल रहा था एंड हाई टेम्परेचर रिजल्टड इन द इपोरेशन ऑफ वाटर विच इंक्रीज इट्स सेलिनिटी एंड पी एच तो उसकी सेलिनिटी का मतलब है उसकी जो सॉल्ट uh, की जो uh, मात्रा है उसमें कितना खा रहा है उसका सेलिनिटी और पीएच दोनों में क्या हो गया इंक्रीज हो गया नाव नीड टू टेल मी ऑल साइंस स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियर यू नीड टू टेल मी कि देर आर थ्री पैरामीटर्स कोई कॉन्सेंट्रेशन बेसिक है एसिडिक है या तो न्यूट्रल है देर आर सर्टिन पैरामीटर्स टू चेक दैट आपने लिटमस पेपर टेस्ट किया होगा वेन यू आर इन एट्थ और नाइन्थ राइट तो यू नीड टू टेल मी दिस इज आई गेस योर थर्ड टॉपिक फॉर टुडे राइट थर्ड होमवर्क टॉपिक फॉर टुडे, सो यू नीड टू टेल मी कि अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन की जो पीएच है बेसिक होगा तो उसकी पीएच कौन से विंडो में होगी वो अगर न्यूट्रल होगा तो कौन से विंडो में होगी और अगर एसिडिक होगा तो उसकी पीएच कौन से विंडो में होगी एंड दिस इज योर डे टू डे स्टफ़ एंड दिस विल हेल्प यू इन यूर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक तो पूरे पी का जो टॉपिक है वो आपको अलग से आप पढ़ सकते हो योर एंड सो पी एच इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक बेसिक वॉटर इज नॉट ओनली वाटर एनी कॉन्सेंट्रेशन एनी सॉल्यूशन द इनक्रीज सेलिनिटी पी एच फेसिलिटेड द ग्रोथ ऑफ हेलोफिलिक माइक्रोव्स मेनली हेलो आर्किया हेलोफिलिज आर अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो एंड ऑफ ऑफर थ्राइव इन द एरिया ऑफ हाई सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन तो ये जो माइक्रो माइक्रोव्स है पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया है हेलोफिल्स वो जहाँ पे ज़्यादा नमक वाला अगर पानी होगा तो वहाँ पे इसकी जो संख्या है इसकी जो तादाद है वो काफ़ी जल्दी से क्या होती है बढ़ने लगती है हेलो आर्किया और हेलोफोबिक आर्किया इज़ अ बैक्टीरिया कल्चर विच प्रोड्यूस पिंक पिगमेंट एंड इज फाउंड इन वाटर सेचूरेटेड विद सॉल्ट बिकॉज ऑफ़ द बायोमास आर्या माइक्रोब द सर्फेस ऑफ वाटर टर्न टू अ रेड और पिंक एज द बायोमास कलर विल डिस तो क्योंकि वहाँ पे पानी कम था और इनकी संख्या बढ़ गई थी इस बैक्टीरिया की इसलिए पानी पिंकिश नज़र आ रहा था जैसे ही पानी बारिश हुई और पानी का स्तर वापस बढ़ गया तो पानी वापस अपने नॉर्मल कलर में आ गया कलर ऑफ दी लेक इज नाउ

प्री uh, मॉनसून जो सीज़न है तो वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ से काफ़ी सारे फ्लेमिंगोस गुजरात और महाराष्ट्र के जो कोस्टल रीजन है राइट right, वहाँ पे सफ़र कर दे तो उनकी वजह से ये हेलो आर्किया क्या माइक्रोव्स वहाँ पे उस लेक में जाते हुए हमें दिखे इंजेक्ट होते हुए दिखे दीज माइक्रोब्स एक्टेड एज कारोटेनोइड और पिगमेंट रिच फूड फॉर दी बर्ड्स फ्लेमिंगोज गेट देयर रेड पिंक कलर फ्रॉम स्पेशल कलरिंग केमिकल्स कॉल्ड पिगमेंट्स फाउंड इन द आलगी ईस्ट ओके तो आलगी और ईस्ट में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है ओके दिस इज समस्ट्रा स्टफ रिलेटेड टू योर लोनार लेक यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हमारे लिए दैट इज मनोदर्पण इनिशियेटिव फ्रॉम एच आर डी मिनिस्ट्री सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज

सिस्टम विल बी राइट तो ऐसी सिचुएशन में टीचर्स को स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को सारी चिंताओं से दूर रखने के लिए मनोदर्पण एक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी क्या है ये प्लेटफॉर्म सो द प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स अ नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स universities and colleges which will be manned by a pool of experienced counselors, psychologists and mental health professionals. ओके okay, तो आप जब कॉल करोगे तो आप सीधा किससे बात कर सकोगे काउंसलर से साइकोलॉजिस्ट से या तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से और आपकी जो भी समस्या होगी जो भी आप फील कर रहे हो वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो एंड योर द सल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड इट ऑल्सो हैज़ अेबसाइट अ नेशनल डेटा बेस ऑफ काउंसिलर्स विच विल होस्ट एंड इंटरक्टिव ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म एडवाइजरीज एंड टिप्स थ्रू वेबिनार्स एंड अदर रिसोर्स सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका सो इट वुड एक्ट एज एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन देक ऑफ कोविड नाइन्टीन तो कोविड नाइन्टीन के साथ एजुकेशन सिस्टम को कैसे हमें ऑन गोइंग रखना है एजुकेशन सिस्टम को ठप नहीं कर देना है उसके बारे में यहाँ पे आप बात कर सकोगे और उसके बारे में नए नए आइडियाज भी हो सकता है कि इससे निकल कर आए लास्ट टाइम हमने जो यूनाइटेड नेशंस का एक पूरा रिपोर्ट था उसके बारे में डिस्कशन किया था राइट तो दिस यू कैन लिंक विद डेट एज़ वेल कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन हैज़ लेड टू फोर्सड क्लोज डाउन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस देयर इट वुड हेल्प children as well as their parents and also the teachers in facing tense situation and its effect on academics okay kafi sare jo competitive exams hai we are also facing that right sitting at our home ke bhai kab exam होगी exam की date अगर आती भी है तो government उसको बार-बार जो भी uh, conducting agency है वो आपके exam की date बार-बार postpone कर रही है right so हर एक स्टूडेंट के मन में एक डर है कि यार मैं इतने टाइम से अगर प्रिपेयर कर रहा हूँ तो क्या होगा आने वाले टाइम में वाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन माई नेक्स्ट ईयर एकेडेमिक्स तो उन सारे सवालों का जवाब आपको ये मनोदर्पण इनिशिएटिव के ज़रिए आपको मिल सकता है नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अ लैंड डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड भूटान तो चाइना का प्रेजेंट में इंडिया के साथ तो गालवान वैली में स्टैंड ऑफ चल ही रहा है ताइवान के साथ उसका झगड़ा चल रहा है मंगोलिया के साथ उसका झगड़ा चल रहा है जापान के साथ साउथ चाइना सी में उसका झगड़ा चल रहा है इंडोनेशिया के साथ फ़िलीपींस के साथ मलेशिया के साथ जो भी आसियान के कंट्रीज है उसके साथ उसका झगड़ा चल रहा है ओके okay, यू के साथ उसका कोल्ड वॉर चल रहा है रशिया ने जो एस फोर जीरो मिसाइल सिस्टम जो चाइना को वो देने वाला था इंटरनेशनल प्रेशर में आके रशिया ने उसके ऊपर रोक लगा दी है तो धीरे धीरे चाइना का जो रुतबा है डिप्लोमेटिक रुतबा है इंटरनेशनल लेवल पे वो बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ आपस में मिल रहे हैं जो हमने अभी जी ट्वेंटी में जो जी टेन या जी इलेवन की बात की क्यों ऐसा किया जा रहा है ताकि चाइना को रोका जा सके चाइना ने देखिए इंडिया के साथ पंगा तो ले ही लिया पाकिस्तान तो ऑलरेडी उसके साथ था पिछली बार पिछले लेक्चर में हमने देखा था ईरान ने इंडिया को अपने जो चाबहार जाहेदान जो रेल प्रोजेक्ट था उससे दूर कर दिया है तो इंडिया के लिए ये कंसर्न है कि अब अगर इंडिया की जो खाली स्पेस हुई है वहाँ पे चाइना की एंट्री ना हो जाए पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे खिलाफ है नेपाल को भी चाइना ने अपने प्रेशर में लाकर इंडिया के ख़िलाफ़ कर दिया है पिछले काफ़ी टाइम से अब जो के पी शर्मा ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिए इंडिया के खिलाफ पूरा नया मैप जो है कालापानी और लिंपियाधूरा इंक्लूडेड है जिसमें वैसा एक जोग्राफिकल मैप नेपालीज संसद में नेपालीज पार्लियामेंट में पास किया गया है राइट right. और क्योंकि भूटान इंडिया का काफ़ी पुराना दोस्त है और भूटान ने कभी इंडिया के साथ धोखा नहीं किया है नाउ चाइना इज ट्राइंग टू प्रेशराइज भूटान एज वेल ओके और पिछले कुछ दिनों में चाइना ने भूटान को एक पैकेज सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है एक डील प्रोवाइड की है कि आप हमारे कुछ जो हिस्से हैं जो आपके लिए ज़रूरी है वो आप रख लीजिए और आपके कुछ हिस्से आपकी जम, आपके देश की कुछ टुकड़ा ज़मीन का कुछ टुकड़ा हमें दे दीजिए और उसको कहा जा रहा है पैकेज सोल्यूशन ओके सो रिसेंटली चाइना हैज़ ऑफर्ड भूटान अ पैकेज सोल्यूशन टू इट्स बाउंड्री डिस्प्यूट

ओके okay. इन 1996 चाइना वांटेड टू एक्सचेंज वैलीज़ ऑफ वैलीज टू द नॉर्थ ऑफ भूटान विद पेस्टर लैंड टू द वेस्ट टोटलिंग ऑफ 269 स्क्वायर किलोमीटर्स बट भूतान ने मना कर दिया था द डील वुड हैव बेनिफिटेड भूतान बाय गिविंग इट द लार्जर चंक ऑफ लैंड एंड रिजोल्विंग इट स्टेंशन विद चाइना

भूतान और चाइना के बीच का इश्यू खत्म हो जाएगा बट वहाँ पे अब फिर दो पार्टीज़ कौन सी रह जाएगी चाइना और इंडिया तो इंडिया की कंसर्न वहाँ से स्टार्ट होती है और चाइना को आपको पता है कि उसकी विस्तारवादी नीति रही है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपकी ज़मीन में अंदर तक घुस जाएगा ऐसा पड़ोसी हमको मिला है सो चाइना ऑल्सो रिपीटेड इट्स क्लेम ऑन भूतान ईस्टर्न बाउंड्री एट साक्तंग तो साक्तेंग करके एक जगह है जिसको भी चाइना अपना हिस्सा गिना रहा है बट भूतान उसको देने के लिए रेडी नहीं है अर्लियर चाइना हैज़ मेड द क्लेम ओवर साक्तेंग एट ऑनलाइन मीटिंग ऑफ द फिफ्टी एट ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जी ई एफ काउंसिल वाईल अनसक्सेसफुली ऑब्जेक्टिंग टू द फाउंड फंडिंग रिक्वेस्ट टू डेवलप द साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट इन ईस्टर्न भूतान तो इसको इंटरनेशनल फ़ंड मिला था जी में तो चाइना ने उसका अपोज़ किया था कि दिस इज़ अवर टेरिटरी इंटरनेशनली उसको फ़ंड नहीं मिलना चाहिए चाइना क्लेम्स दैट द बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड भूटान हैज़ नेवर बीन डेलीमिटेड इट हैज़ हैड डिस्प्यूट्स ओवर द ईस्टर्न सेंट्रल एंड वेस्टर्न सेक्टर्स ऑफ भूटान देखिए पूरे ही भूटान पे चाइना अपना हिस्सा जमा रहा है जैसे तिब्बत पे उसने अपना हिस्सा जमा दिया है हावेवर भूटान रिजेक्टेड द क्लेम made by China by saying that Sakteng is an integral and sovereign territory of Bhutan. However, Bhutan rejected the claim made by China by saying that Sakteng is an integral and sovereign territory of Bhutan. According to Bhutan, China and Bhutan have a dispute only on two sectors of the border that is one in the north, Pasamulung and Jakarlung and the second in the west, Doklam.

तो चाई 2016 हज़ार के, के इस इस तो बाद चाइना को अचानक लगा कि भाई दिस इज़ आवर टेरिटरी तो भूटान यही बात इंटरनेशनल फोरम पे रख रहा है तो देखिए ये हिस्से को भी चाइना अपना हिस्सा गिना है और देखिए अरुणाचल प्रदेश का तो काफ़ी सारा हिस्सा चाइना अपने मैप में दिखाता है कि दिस इज़ दि पार्ट ऑफ चाइना एंड नॉट इंडिया बट इंडिया उसको अपनी टेरिटरी बना मानता है सो तो भूटान एंड इंडिया फॉर्मली डी मार्केटेड दैट सिक्स नाइन्टी नाइन किलोमीटर बाउंड्री इन ट्वेंटी सिक्स तो भूटान और इंडिया के बीच कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है हमने जो भी डिस्प्यूट थे वो उसको 2006 में ख़त्म कर दिया डी का मतलब है सीमांकन सीमाएं तय कर दी गई कि भाई इतने किलोमीटर की जगह मेरी है और यहाँ से बॉर्डर पास हो रही है राइट right? रीज़न बिहाइंड न्यू ऑफर सो द एम मे बी टू प्रेशर भूटान इन टू कंक्लूडिंग अ डील क्विकली इन टर्म्स ऑफ ऑफर अदरवाइज द क्लेम्स मे कीप इंक्रीजिंग द सिमिलर ऑफर वॉज मेड टू इंडिया ऑन अरुणाचल प्रदेश विच सबसिक्वेंटली एक्सपांडेड टू इन्क्लूड अ चाइनीज क्लेम ऑन तवंग इन नाइनटीन एंटी फाइव तो ऐसी ही टेरिटरी स्वेप जो ऑफर थी वो इंडिया को भी दी गई थी बट इंडिया ने उसको नहीं माना तो चाइना यही चीज़ अब भूटान पे आज़मा रहा है अप्लाई कर रहा है कि छोटा कंट्री है उसको प्रेशराइज करेंगे तो वो मान जाएगा इंडिया के लिए कंसर्न क्या है सो एज आई सेड इन 2017 सेवेंटीन चाइना हैड इंक्लूडेड इन टू डोकलाम प्लट विच इज़ क्लेम्ड बाई भूटान लीडिंग टू अ स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज इवन आफ्टर द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी टू थाउजेंड एंड सेवन इंडियन मिलिट्री इज वर्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग भूटान फ्रॉम द काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट दैट द चाइनीज मिलिट्री पोजेज अकॉर्डिंग टू द इंडिया एंड भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी 1949, फोर्टी भूटान अलाउड इंडिया टू गाइड इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस अफेयर्स तो कहीं ना कहीं भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कौन हैंडल करता है इंडिया बाहर रहकर बट इंडिया ही उसको पर्दे के पीछे रहकर हैंडल करता है हावेवर दी 1949 फोटी नाइन ट्रिटी वॉज अमेंडेड इन ट्वेंटी सेवन टू रिस्पेक्ट देंसिटिविटीज ऑफ बूटान रिगार्डिंग इट सॉवरन अंडर द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रिटी ऑफ टू थाउजेंड एंड सेवन टू साइड हैच अदर ऑन इशूज रिलेडिंग टू देर नेशनल इंटरेस्ट नीदर गवर्नमेंट शेल अलाओ द यूज ऑफ इट्स टेरिटरी फॉर एक्टिविटीज हार्मफुल टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ दी अदर ओके okay, तो देखिए भूटान में कभी भूटान से कभी आपको टेररिज्म की खबर नहीं आएगी राइट right? क्यों क्योंकि भूटान चाहता ही नहीं कि इंडिया में टेररिज्म फैले अगर इंडिया को कुछ होता है तो उसका जो नुकसान है खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ेगा भूटान को भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि भूटान के चाइना के साथ तो ऑलरेडी रिलेशन अच्छे नहीं है और भूटान इतना छोटा कंट्री है कि वो अगर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो आने वाले सालों में पता चले कि भूटान इज़ नाओ पार्ट ऑफ चाइना तो भूटान वो नहीं चाहता ओके okay, और नेपाल और श्रीलंका ऐसे काफ़ी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो चाइना के ऊपर भरोसा करके फंस चुके हैं और भूटान वो गलती दोहराना नहीं चाहता और उसको भरोसा किया इंडिया कभी भी हमारी सॉवरनिटी के लिए खतरा नहीं बनेगा इंडिया हैज़ नेवर ट्राइड टू कैप्चर एनी कंट्रीज लैंड नॉट इवन फॉर पाकिस्तान राइट चलिए चाइना हैज़ सेट दैट थर्ड पार्टी शुड नॉट आई मीन व्हाट इज़ दिस थर्ड पार्टी इट इज़ इंडिया चाइना इज रेफरिंग टू इंडिया नो थर्ड पार्टी शुड पॉइंट फिंगर्स इन चाइना भूटान बॉर्डर इशू विच इज़ एन अपेरेंट रेफरेंस टू इंडिया तो जब भी चाइना का इशू होता है किसी भी कंट्री के साथ तो क्योंकि इंडिया इज़ ऑल्सो मेजर प्लेयर इन साउथ एशिया इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया इज़ ऑल्सो मेजर प्लेयर जो कि चाइना को टक्कर दे सकता है जहाँ जहाँ चाइना की बात होगी वहाँ वहाँ रेफरेंस में इंडिया की बात हमेशा आपको देखने को मिलेगी एंड दिस दिस कैन हेल्प यू इन योर इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक्स ओके सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर लेट मी नो इफ देर इज एनी डाउट आई हेल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट इफ यू हैव लाइक्ड दिस लेक्चर प्लीज कमेंट इन दी सेक्शन बिलो सो दैट वी आर ऑल्सो मोटिवेटेड फ्रॉम योर एंड स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू